नाम सारी संसार अलैकुम सत अकाल या नमस्कार मैं हूं आपका खिदमत गुजार मोहम्मद शरीफ साज मद फरवरी है सोमवार है सो फेब्रुवरी के आठ तारीख है आज, आज ही के, ही के तमाम खबरों में से में मैंने, मैंने खास खबरें तर्जुमा करते ही आप, आप ही के साथ पहले जाऊंगा उसके बाद सारी संसार पर सफर पर करके नई दलानता कर एक लतीफा के साथ यह खबरें खत्म करूंगा फिन एंड प्लानिंग के मिनिस्टर अरमान और छाइबर सिंह पार्लियामेंट ने बताया कि मंथन के, के कमी, कमी होने के, के सबब से तमाम एस एड वो बनवाया या है या छपवाया है तीन मिलियन एस एड ए है तीन मिलियन एक एस के मंथन ट्वेल्व मिलियन फाइव हंड्रेड सेंट और एलेव मिलियन तीन सेंट के मंथन तो ताल इन तुंत मिलियन एस के मंथन छपवा करके और सुरनामा में आ गया है यह के बनवाई के खर्चा इनकम फिर मिलियन यूएस डॉलर हुआ है तक मिलियन न्यू न्यू निकेरी के बाजार के अगवारे एक औरत अपना ब्राउन फिश खरीदा कर बाजार के अंदर में गया सौदा तरकारी वगैरह खरीद कर जब बाहर निकला तो ब्राउन फिस चोरी हो गया है एक, एक आदमी ने देखा था कौन उनका लेकर के ले गया औरत को पूरा बता दिया औरत ने सिपाही को खबर कर दिया सिपाही वो तुछ 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 बरस के चोर को गिरफ्तार कर लिया उनके पास वो अभी मौजूद था तो उसने बोले कि की वो चोरी नहीं किया है ये ब्रोहफिस अपने दोस्त से पाया है कुछ वक़्त के चलाने के लिए उसको वापस करना है तो जो गवाह दिया था उ उनको पहचान लिया कि वही वो चोर है तो सिपाही उनको जेल में बंद कर रखा है मुकदमा, मुकदमा करने, करने के खातिर मानस्टेल ब्रॉफिट्स फनफराबे मार्केट डिस्ट्रिक्ट निकेरीन में एक फिर 7444 वर्ष के एरर्न नाम के مردाना के आदत पड़ गया था और खदीप् प्लानचेस चोरी करने के लिए मालूम हुआ कि और खदी एक खूबसूरत सा फूल होता है जब ये मर्दाना को पता चला कि सिपाही वो और के चोर के खोज में है तो वो डर के मारा जहाँ चोराया है उसी के नजदीक में ये चारों प्लानच छोर करके भाग गया तो चोर को तो नहीं जानते थे कि वो है कौन एक बार फिर और कहीं ये और चोरी किया जब वहाँ पता चला कि पुलिस ये प्लान के चोर के, के खोज में, में तो डर के, के मारा वो जहाँ चोराया आया, उसका बीर फ्रॉ के पास ले जा कर के दे दिया भले कि वो जिसको देना है वो घर तो पे नहीं है उनको ये चारों प्लान दे ही देना तो वो तो अब चोर को पहचान लिया तो उसको बताया कि वो एर एर नाम के चोर है सिपाही उनको गिरफ्तार कर लिया और खबर करते हैं कि

और भी टॉलर वाला आर्टिकल रखा हुआ था जिसका वजन भी ठीक नहीं था तो ये सब सौदा सामाने वही निकाल करके उसी दर पर उसको बर्बाद कर दिया गया है फरफालन प्रदर्शन आंख तरफ़ बैंकल कंट्रोल इकोनॉमी सुसाकन निकेरी अभी जो कोविड दिन मात्रे खलन है तो यानी वारिक 23 तारीख से लेकर बिहान देश दाख फेबरवारी के 9 तारीख तक ता रहेगा तो नया कोविड नेगेटिव मात्र रेखा ऐलान करने वाले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसी में वो भी बुधवार फेबरवारी के 10 तारीख को आँख पास्तक कोविड नेगेटिव मात्र रेखलन उन्स दख तीन फेबरवारी बकेंथ है। इस परेमारी परेमारी के इलाका इलाका में रियोलेरिंग यानी कि पानी निकलने की जो रास्ता है बिल्कुल ठीक नहीं है, है। जरा से बरखा बरसा तो, तो उस, उस, उस इलाका पानी, पानी, पानी में बुढ़ जाया करता है यह पानी के बबाल बरसन से हो रहा है तो आज घर बता रहे हैं कि मिनिस्टर रियात मोहम्मद यह पानी के प्रॉब्लम जो है उसको ओप्लोसिंग कर, करते हैं नया रियोलेयरिंग बना करके रास्ता जिसके रास्ते से पानी निकलना चाहिएगा वो ठीक ठाक कर रहे हैं ये बीती हुई 24 घंटा के अंदर में फिर एक कोरोना पशंत के मौत हो गया है अब मिला जुला करके न तो ताल एन होंदत इन जना के मौत हो चुका है तो इन सीवन तो जना तो अस्पताल में दाखिल है ने नौ यूनिट में है और बीते हुए 24 घंटा के अंदर में सफी तक छियालीस जना के इलाज हो गया अच्छा हो गए हैं, एन हैं। है एक जना इस जनासोलासिम में दाखिल हैं। के साइट सन न्यूज में खबर है फ्रांस त्रमानख्त सतासी बरस के उम्र में देहात हो गया है एक हफ्ता बीत गया है कि वो अपना यख्त सालगिर मनाया है मालूम हो कि यही वकील एक्स मिनिस्टर गिर दरात के भी वकालत कर रहा था यह मिनिस्टर गिर मूफ दरात तो मिलियार्दर दे सुरनामा के पैसा नहीं चुराया है फिर भी उनका तो मौत हो गया लेकिन अभी अभी दो वकील अभी, अभी मौजूद हैं जो इनके खातिर वकालत कर रहा है अथवाकात फ्रांक त्रेडमान अवेक ना सिर्फ उन तक तो स्कैमल तो पेनिंग के रहने वाले एक वार 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 परिवार के घर में एक नेखिये के स्लाब कामर में एक नेव के बेटा तो उनका पांच बरस के बेटी नंगिरंग करके और खुद भी नंगिरंग था और कुछ खेल, खेल तमाशा करने वाला था जब नेखी, नेखी को पता, पता चला तो ये नेख के जो बेटा, जो बेटा है तो उनके तो चुतरे पे एका झापर मारा तो वह जाकर के अपने बाप को बता दिया तो बाप जो नेफ नेखी के वो आया वो नेखी के मुंह पर ऐसा घूंसा मारा कि उनका मुंह में से दांत निकल करके बाहर छटक गया। सिपाही को खबर दिए, सिपाही ये नेके के अस्पताल भेजा और नेफिके चिहलखाना में। ने। नेफ्सला तंत नेके कपोत नारुजी। आफंद क्लॉक ने लॉकडाउन के वक्त एक सिपाही दिनसूरते ये नेहूतो इंदिरा गांधी वक्त पर चलाते जा रहा था। आमने सामने वाला ऑटो अपना तो खरोट लेख, लेख जलाया था, था। यानी कि तो बड़ा, बड़ा चिराग जला, जला करके आ रहा था हो सकता वो में, में ऐसा औतो को ना, ना संभाल सका और तो वो तो वो वो आने वाला औतो को इसी जोर से धक्का मारा कि ये झटक कर कंडाल में उलट गया और जो खरोट लेख चला करके आ रहा था उनका औतो ऐसा चिपटा हो गया कि वो औतो में से खुद ही निकल सकता था ब्रह्मतवीर को आना पड़ा यह औतो को काट कर को उनको बाहर निकाला पुलिसमान रात फर मुदलक ब्लेंट दोर, दोर खरोट लेख ते दो, दो मर्दाना पटना वह के घर के सामने आए एक, एक ने पिस्तौल से घर के दीवार पे दागे को गोली तो कोई के न लगा तो सिपाही बोले इसमें कोकाइन ड्रग्स के समस्या है हर्मन दत्त के दो बेटा इसके बारे में सिपाही से बोले कि ये लोग ने अंदर सुख करके सिपाही से बताएंगे द ज़ोन एंड फन हर्मन दत्त ज़ैन बेज़िग मेट एट अंडरज़ूकम ना तगान व्हाटस द प्रसीस हे ऑफ द लोकसी पुलिस ब्यूरो के सेल में एक कैदी के कोरोना वायरस बीमार कर दिया उनको तो इस्लासी के खातिर पेनतेंतियारे इंद्रेखतिंग दस बिरोखलान में जगह खोज रहे हैं इसके बारे में बस इतनी ही बात बताए हैं आप देश विदेश के खबरें सुन रहे हैं सुरिनाम देश से अब मैं आपको परदेश ले जा रहा हूं इसराइल के प्रमेय नेतन्याहू के बरसन से मुकदमा किया जा रहा है जज साहब उनका न्याय नहीं कर सकता है अपार में निस्त साबूत पेश किया कि उसने पैसा दे करके लोगों को अपनाया है भरमाया है चोरी किया है विश्वास घाट किया है यानी क्रोपसी किया है एक मीडिया के तमाम पैसा दिया है कि ये मीडिया बदरेफ उनका नाम सारी संसार में खूब रोशन करे कि वो दयालु इंसान है ऊंचा ख्याल वाला विद्वान इंसान है जनता के सेवा में वो अपना जिंदगी गुजार दिया है बरसन, बरसन के मुकदमा, के मुकदमा में, में वो सिर्फ तो दो दफा, दफा अदालत में गया है अदालत से के बोले कि वो, वो बेकसूर है कोई बुरा काम नहीं, नहीं किया है कोई गलतियां उन्होंने किया है फिर भी उपमार में मिस्त्री साबूत पेश करता रहा फिर अभी तक उनका न्याय नहीं कर सकते पे हैं नतनयाहू उनिंग फॉर ओम कोपिंग फ्रॉड एंड स्कैंडिंग फन है म्यांमार के फौजियों ने देश में सास खरेप कोप करके और देश के हुकूमत छीन लिए हैं सरकार के जो नए इधर अवसानसुखी के साथ पूरा सरकार के लोगों को कैद में कर लिए हैं तो म्यांमार के जो हजारों जनता है ये तीसरा दिन रास्ता पर निकल पड़े हैं और चिल्लट में रहे हैं कि फौजी के काम है सीमा पे रखवारी करने के लिए और जनता ये सरकार को चुन करके बैठाया है देश और जनता के सेवा के खातिर और ये लोग को जहल में से फौरन निकालना है फॉर इन स्टातन के एक्स प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प फिर नासिस मैन से रात में से निकल गया है मालूम हो कि जब भी एक रिपब्लिकन तो अमेरिका के सरकार में भर्ती होते हैं जरूर देश और परदेश में झगड़ा फसाद फंसा करके निकलते हैं और कमजोर मुल्कों के साथ बैकाट करवाने लगते हैं। अब नया प्रेसिडेंट जो सब काम को बना रहा है से रात में फिर अब अमेरिका के ले बनाना चाहता है कई खबरों में आपको बताया गया साउथ अफ्रीका में तो खरपका किस्म के कोरोना वायरस फैल गई है यह बीमारी के इलाज के खातिर पिछले हफ्ता अफ्रीका के एक मिलियन अस्त्रा फैक्सन पाया गया है अब आज की खबर में बता रहे हैं कि ये अस्त्रा फक्सेन जो है ये बीमारी पर असर नहीं करता है बेकार है यही कारण अब यह फैक्सन देना रोक दिए हैं अब नीदरलैंड के खबरें सुनिए पूरा नई में स्नेव बारिश हुआ है रास्ता पर ऐस जम गया बिछलड़ हो गया है सब औतोमोबलेन को राय दिए हैं कि अगर जरूरी नहीं है तो रास्ता पे मत निकलना और अगल बगल वाला जो बड़े रास्ता के हैं वहाँ उस पर नीमक वगैरह नहीं छिड़काए हैं जो होफ उस पर नमक विड़काए हैं वहाँ पे आओ तो जरा से मद्दा में चलाने, में, चलाने को अब राय दिया गया है, है। इस जो त्रम है और जो ट्रेन है वो चलाना मुश्किल है क्योंकि जो रेल्स के जो विसोस है वो फंस वो जाया करता है उसे बस भी बहुत धीरे धीरे चलती कमती चलता चलाते हैं आज, आज स्कूल के खोलने को भी था तो ये, तो ये स्नेू के कारण एकाद स्कूल खुला एकाद नहीं जो स्कूल नहीं खुला है तो वो लोग तो तो डिजिटल या लैपटॉप के जरिए पढ़ाई करते हैं और वैसे काम पर नौकरी करते जो कंतोर पे नहीं जा सके तो वो घर ही पर से ये देखता या लैपटॉप कहिए टेलीफोन कहिए उसी के जरिए ये लोग ने काम करते हैं मिनिस्टर योस्त्रा, योस्त्रा के गुजारिश पर मिनिस्टर देकर, देकर बोले कि वो अब लड़कन का दोपसी करना रोक दिया दौप्सी है नीदरलैंड के फौजी साल 2016 में अफ्रीका के मूलक माली में मौजूद थे तो ये लोग लो के, के अंदर में कोई ऐसा गलती काम किया कि एक मूर्ति बम ये लोग को बीच में फट गया दो, दो मिली तैरन तो मौत हो गया तो मरने वाला मिली तैरन जो, जो परिवार है अफी को सौंपा खाद फर खुद मांगने के लिए तो उपम्बार में निस्तरी उनख करके बोले कि ये मुकदमा नहीं हो सकता है मूर्ति और औखले को मा आज के खबरों में भी बता रहे हैं कि अभी एक हफ्ता ठंडा रहेगा स्नेह गिरेगा आइस जम जाएगा रास्ता बिछल रहेगा टेम्परेचर न्यूल खराद से नीचे चार खराद तलक रहेगा फोर्स हाउथ नुख अनवेक लम आन रेत खर्स असोआ एट्स नीद लम्ब सस्तीन यार या 16 बरस से लेकर 20 तक यार 20 बरस के फिर हजार लड़कन और लड़कियन यानी कि यौवरा के अंदर सुख करके पूछ-पांच करके बता रहे हैं कि इन लोगों के जो सेक्सुअल रलासी जो प्रेम करना की बातचीत है इसमें यह कोरोना क्रिस बहुत हानि पहुंचाया है कोरोना रैंप सेक्सुअल ऑन अब मैं एक, एक लतीफा सुनाकर ये खबर खत्म करूंगा आज का लतीफा इस तरह, तरह से है एक आज बुड़वन एक तो अस्सी बरस, बरस के बुड़वा से, से, से पूछे सबन हल्ला कि तू एक अस्सी बरस के बुढ़वा हो करके बिहार करे जा है ये बात सच है का तो बुढ़ुआ बोले हाँ ये बतिया सच है इस जमाना में बद मिले है अगर बद मिल गए तो इतना ज्यादा पैसा सब मांगे कि पैसा ना भर पावे तो हम सोची कि बेहतर बेहुआ न कर लेको डबल पैसा खर्चा ना हो और सब काम हमारे करे हाँ आप हंसते हंसाते हुए मुझे इजाजत दीजिए